सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है एक बिग कंपनी में जॉब करने की। अगर आप फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस है, दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। 12th पास है, ग्रेजुएट है, तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। बिग कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है। तो जानते हैं डिटेल में इस जॉब के बारे में, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं कुछ ना कुछ टिप्स जरूर देता हूं जो आपको हेल्प करते हैं आपके इंटरव्यू में, आपकी जॉब में। स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नई नई जॉब्स मैं लेकर आता रहूं। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास होके पूछिए, मैं आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। जानते हैं पूरी डिटेल इस जॉब के बारे में, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जॉब निकली है जियो कंपनी में। सो रिलायंस जियो की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आई है। तो रिलायंस जियो जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी निकली है। बहुत सारी स्टेट्स में ये रिक्वायरमेंट्स निकली हैं, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया ये रिक्वायरमेंट्स निकली हैं। और कौन कौन से स्टेट्स में निकली है वो भी हम जानेंगे, स्क्रीन में जाएंगे तब हम जानेंगे। तो इसमें अगर आप 12th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और साथ में आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा अगर आप एक्सपीरियंस है उस रिलेटेड स्किल से। जानते हैं जियो कंपनी कौन से प्रोफाइल्स लेकर आई है, तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम स्क्रीन पे जानेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस जॉब को आप अप्लाई करिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जान लेते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए जियो कैरियर्स का है, तो जियो की वेबसाइट में ही आपने जाके अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए कम एंड ज्वाइन द डिजिटल इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए एडवाइज़र वॉइस की निकली है जॉब्स। यहाँ पे देखिए थाने में निकली है, और हुबली में निकली है, अमरावती में निकली है, भोपाल में निकली है, नागपुर में है, भुवनेश्वर में है। तो ये देखिए जुलाई 3 की है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। तो आज जुलाई 3 को ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे जाएंगे तो आगे भी आपको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स में मिलेंगी। और ये देखिए यहाँ पे सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, हैदराबाद, तो आप देख सकते हैं जो आपके सिटी से रिलेटेड हो तो वही अप्लाई करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये पहली वाली जॉब ही हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये एडवाइज़र वॉइस की ये जॉब है, कस्टमर सर्विस की जॉब है। तो ये देखिए 3 जुलाई को जॉब निकली है। कस्टमर सर्विस इसका जो है फंक्शन बिजनेस एरिया होगा। थाने में ये जॉब निकली है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी मैनेज ऑल कस्टमर्स इंट्रैक्शंस एज रोस्टर विद इन पैरामीटर्स, एजुकेट द कस्टमर्स एट एवरी गिवन पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, इंश्योर अपडेशन ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम प्रोसेस एंड पॉलिसी नॉलेज, फॉलो ऑल कॉन्टैक्ट सेंटर पॉलिसीज। तो बेसिकली आपका जो मेन काम होगा, आपने कस्टमर्स की जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करना है, कस्टमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, और कंपनी की पॉलिसीज का ध्यान रखना है, और अपने आप को हमेशा कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अप टू डेट रहना है। तो ये बेसिकली आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। एजुकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, 6 महीने या 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उसमें आपका ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको सैलरी पैकेज ज़्यादा दिया जाएगा। स्किल्स और की बात करें तो इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आनी चाहिए जो सबके पास होती है, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कस्टमर फोकस होना चाहिए। तो ये सारी जो है स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अब इसमें बेसिकली मेन पॉइंट क्या है कि ये कस्टमर्स से रिलेटेड है, कस्टमर फोकस आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं आपके अच्छे होने चाहिए। तो अप्लाई करने का तरीका जो है वो भी हम जान लेते हैं। पर इसमें ये देख लीजिएगा, इसमें कई जो सिटीज़ में जॉब निकली है तो आप ये चेक करिएगा आपके नियर बाय सिटी कौन सा है, तो उसी में जाके अप्लाई करिएगा। अब इसमें एक नियर बाय जो आपका स्टेट, नियर बाय जो भी आपकी सिटी है उससे रिलेटेड जो है आप वहाँ पे जाके अप्लाई करेगा। तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने कभी पहले जियो में अगर जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपने बनाया होगा इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, तो सेम डाल दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। अगर नहीं बनाया, नए यूज़र हैं, पहली बार जियो कैरियर्स के लिए, जियो के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू यूज़र पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इससे आपका जो है लॉगिन आईडी बन जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ इंडिया, और आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है और कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो है आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है, अपनी रिलेटेड क्वालिफिकेशन, रिलेटेड टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है रिज्यूम जाएगा एचआर के पास। तो जियो
कि कंपनी के जो एचआर है वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो है अगर उनको आपका रिज्यूम पसंद आ जाता है तो वो आपको पहले कॉल करेंगे, कॉल में आपका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद जो है फाइनल जो है आपका इंटरव्यू होगा, जिसे हम ऑपरेशन राउंड कहते हैं। वो आपका मैनेजर से भी हो सकता है या फिर किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी हो सकता है। तो वो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपसे जो है डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर मांगी जाएगी, सर्टिफिकेट्स आपके चेक किए जाएंगे, उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपकी जो है जॉब शुरू हो जाएगी। तो अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो इसमें सैलरी पैकेज 12,000 से लेकर 30,000 पर मंथ तक होगा। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो 12,000 पर मंथ होगा, तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपका ज़्यादा पैकेज होगा। एग्जैक्ट पैकेज नहीं बता सकते हैं कि कितना पैकेज आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो एचआर का फाइनल राउंड होता है वही लोग डिसाइड करते हैं कि आपको फाइनल कितना पैकेज दिया जा रहा है, तो इसमें बार्गेनिंग भी कई बार होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो जरूर हमें बताइए, अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तभी हमें जरूर बताइए, प्लीज हमें बताइए, ताकि हम जान सकें कि इससे आपको कितना फायदा हो रहा है, इन जॉब से आपको कितना फायदा हो रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज हमसे पूछिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा तो हम उसका इंस्टेंट आपको रिप्लाई करेंगे। तो इन जॉब से रिलेटेड और भी कई वीडियोज आ रही हैं, तो ऐसी जॉब्स और भी आती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से कईयों की मदद हो सकती है। तो मिलते हैं एक और नई जॉब के साथ, एक और नई कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फोमेट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए।